हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया एपिसोड मैं स्किन पे लेकर आई हूँ। दोस्तों, स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए हम बहुत सारे कॉस्टली स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटी रिंकल क्रीम्स, अनॉइंटमेंट्स, महंगे महंगे फेस वॉश। लेकिन बेसिक चीज़ तो हमें पता ही नहीं होती कि बेसिक चीज़ जैसे कि कैल्शियम, इसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए। आज तक हम में से ज़्यादातर लोगों को यही पता होगा कि कैल्शियम या विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड्डियों के लिए ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ कैल्शियम जो है हमारी स्किन के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है। कैसे, आइए जानते हैं। हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए और डैमेज से बचाने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्किन की तरफ अट्रैक्ट करके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे स्किन ड्राई होने से बचती है एंड स्किन में इरिटेशन जो है कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती अगर आपके शरीर में अच्छी मात्रा में कैल्शियम हो। ये हमारे स्किन के जो दो प्रोटीन्स होते हैं, कॉलेजन एंड इलास्टिन, इनको बनाए रखता है, इनको सपोर्ट करता है, इनकी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, ताकि हमारी स्किन में टाइटनिंग और स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहे। दोस्तों, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी स्किन सेल्स को डैमेज करके रख देते हैं। अब कैल्शियम क्या करता है कि इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि हमारी स्किन जो है डैमेज होने से बच सके। इतना ही नहीं, हमारे स्किन में जो भी बोन्स होते हैं, कट्स होते हैं, कैल्शियम इन बोन हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये न्यू सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है और स्किन में जो भी इन्फ्लेमेशन होती है, सपोज सन बर्न से जो इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है, कैल्शियम उसको भी कम करने में हेल्प करता है। ये तो हमने जान लिया कि कैल्शियम हमारी स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर ये कैल्शियम मिलेगा कहाँ से? ऐसी कौन सी डाइट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, जिससे कैल्शियम हमें एक पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है? दोस्तों, अगर हम देखें तो डायरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक है, इसके अलावा भिंडी, मूली, लहसुन, पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, टमाटो, गाजर और मटर एंड इम्पॉर्टेंटली सोयाबीन, ये सब कैल्शियम से भरे होते हैं। एंड इसके अलावा टोफू है। अगर हम फ्रूट्स में देखें तो ऑरेंज फ्रूट है, पाइनएप्पल है, गुआवा एंड लीची है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आपको मिल जाता है। और अगर हम डेली रूटीन में देखें तो हमें च्यवनप्राश का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक चम्मच च्यवनप्राश जो है उसको ल्यूकवॉर्म मिल्क के साथ, मतलब कोसे दूध के साथ हमें लेना चाहिए डेली, क्योंकि उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूध में अगर आपने दूध का प्रयोग करना है तो काऊ मिल्क जो है वो बेस्ट है एंड काऊ घी जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा और भी जो खान पीन की चीज़ें हैं, जैसे कि मशरूम्स है, जिसको आप कई फॉर्म्स में ले सकते हैं, जैसे कि सूप की फॉर्म में ले सकते हैं मशरूम सूप, या फिर सब्जी बनाकर ले सकते हैं, एंड सिसमे सीड्स, इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है वो है शतावरी, अश्वगंधा, लाक्षा आदि गुगल, या फिर मुक्ता शुक्ति, प्रवाल पिष्टी, ठीक है, शंख भसम को मक्खन मलाई शहद के साथ ले सकते हैं। तो ये कई ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो रोगी के कैल्शियम लेवल को पूरा करता है। कई ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए वो है, नमक कम लेना चाहिए, टी कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए, फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी हम डाइट से कैल्शियम ले भी रहे हैं यदि, तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि कैल्शियम हमारी स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जो डाइट